हम बात कर रहे थे इन हम बात कर रहे थे बेटा इन क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, फॉर एवरी कॉर्नर एटम नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर लाइंग अलोंग, जो कहाँ पर उपस्थित रहता है, तो पहला लिखा था एज पर, दूसरा लिखा था बॉडी डायगोनल पे, और तीसरा हमने लिखा था फेस डायगोनल पे। उसके कितने पड़ोसी की संख्या? एज पर होगी 6, बॉडी डायगोनल पे 8, फेस डायगोनल पे 12। यह आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था, एक बार पढ़ लीजिए कि इसमें कोई इशू तो नहीं है, ये क्लियर है। और अगर आपका जवाब रहता है हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ चैप्टर में। सभी बच्चे इसको पढ़कर देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चले बच्चों फिर आगे। अरे आवाज़ तो तब आएगी मानसी जब मैं कुछ बोलूँगा, ठीक। एज बता दो, एज नेहल लास्ट क्लास में बताया था मैंने कि यदि ये कोई क्यूब आपके पास में है ना, इसका एक कोई भी कॉर्नर अपन ने पकड़ लिया, तो इस कॉर्नर से निकलने वाले एज कितने हैं? आगे एज, पीछे एज, नीचे एज, ऊपर एज, दाएं एज और बाएं एज। एक कॉर्नर से गुजरने वाले, एक कॉर्नर से निकलने वाले एजेस की संख्या होती है 6। तो जो भी उसका पड़ोसी एज के अलोंग होगा वो होगा 6। यदि उसका पड़ोसी बॉडी डायगनल पे आ रहा है, एक कॉर्नर से निकलने वाला बॉडी डायगनल 8 होता है। यदि उसका पड़ोसी नियरेस्ट नेबर बॉडी डायगनल पे है तो वो होगा 8, और यदि उसका नियरेस्ट नेबर फेस डायगनल पे है तो वो होगा 12। इन्हें याद रखिएगा बेटा, ठीक। चलिए जी, तो फिर अब चैप्टर करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहला टॉपिक जो आपको सीखना है उसका नाम है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट का हमें जो डिस्कस करना है उसका नाम है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। लैटिस का मतलब क्या है? लैटिस का मतलब है पीरियोडिक अरेंजमेंट, मतलब बेसिकली हिंदी में बोले तो लैटिस का मतलब है व्यवस्था। क्या मतलब है लैटिस का? व्यवस्था। यदि मैं आप बच्चों को, कोई भी बच्चा ले ले आपके बीच में से, जैसे हमने लिया है तारुषी, है ना बेटा, यदि तारुषी को मैं ऐसी छोटी छोटी टेनिस की बॉल दे दूं और बोलूं कि तारुषी आप इनको जमाइए किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में आप जमाइए, तो किसी भी तरीके से आप जमा सकते हो। लेट से आपने बॉल्स को ऐसे जमा दिया, सबसे पहले एक लाइन में, क्योंकि सॉलिड बेसिकली क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है एटॉमिक अरेंजमेंट, एटम्स की व्यवस्था या स्फीयर का अरेंजमेंट, ठीक है। आपने गेंदों को ऐसे जमा दिया, गेंद से जोड़ी गेंद, पहले एक लाइन में जमाया, फिर एक प्लेन में जमाया, समझ में आ रही बात? इस तरह से आपने जमाया, फिर इस प्लेन के ऊपर, ये तो एक पूरा प्लेन बना, इस प्लेन के ऊपर भी एटम डाल सकते हो, एटम पे एटम डाल दो इस तरीके से। तो ये जो सामने नजर आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये सामने आपको क्या दिख रहा है, ये आपने क्या किया, तो हिंदी में क्या बोलेंगे आप बच्चों बताइए? अरे लैटिस वैटिस शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपने क्या किया, तो ये आपने क्या किया बताए? आप बोलेंगे कि सर हमने स्फीयर, स्फीयर मतलब गोलो बॉल को अरेंज कर दिया है, ऐसे ही बोलेंगे ना। एग्जैक्टली, ये है बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर। क्या है बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर। तो वही अरेंजमेंट मैं यहाँ साइड में भी बना रहा था, देखिए
वास्तविकता में ये एटम एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक है, लेकिन जब ये व्यू बना रहा हूँ तो व्यू को क्लियरली समझने के लिए मैं एटम को एक छोटे पॉइंट से या छोटे गोले से रिप्रेजेंट करूंगा। एटम को इतना बड़ा बड़ा रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए वो एटम बड़े बड़े हैं एक दूसरे को टच करते हुए। तो देखो क्या किया मैंने, ये डॉटेड लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं केवल एटम को जमा रहा हूँ। एटम को देखो इस तरह से आपने जमाना चालू किया, ये हमारे पास में है एटॉमिक अरेंजमेंट इस तरीके का। ये हम एटम्स को अरेंज कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। किसमें बच्चों? 3D में। 3D में अरेंज करने को ही तो आप बोलते हो स्पेस में अरेंज करना। तो अब देखिएगा, बस ये कंप्लीट होने वाला है सर। ये केवल इतना ही होगा क्या, और आगे नहीं जाएगा? नहीं रे, ये अरेंजमेंट जो क्रिस्टल में होता है ये तो इनफाइनाइट दूरी तक आगे जा सकता है। मतलब आप जो है आप इसके आगे भी लाइंस बना सकते हो लाइक दिस। ये यहाँ पर खत्म नहीं होगा, और भी आगे बढ़ेगा। ठीक बच्चों, तो अब कुछ छोटे छोटे सवाल पूछने वाला हूँ, आप प्रॉपरली जवाब दीजिए। सामने आपको क्या नजर आ रहा है? ये सामने क्या है? क्या दोबारा से बोल सकता हूँ इस स्फीयर का अरेंजमेंट है 3D में? क्या बोल सकता हूँ, गलत तो नहीं होगा? यस। तो ये जो स्फीयर का अरेंजमेंट है 3D में, इसी का नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका, देखिए अच्छे से क्या लिखा है बोर्ड पर। इसी को हम कहते हैं, ठीक हो जा भाई, स्पेस लैटिस। क्या मतलब है स्पेस लैटिस का, आने दो डेफिनेशन। रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। लो जी, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। पॉइंट्स को आपने 3 डायमेंशन में अरेंज कर दिया है, इसके अलावा और दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन वो भी पॉइंट्स का अरेंजमेंट ही कहलाएगा। तो आप पढ़कर बताइए, कंफर्म कीजिए कि क्या स्पेस लैटिस का मतलब समझ में आया। स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में पॉइंट्स का अरेंजमेंट, स्पेस लैटिस का मतलब होगा 3 डायमेंशन में पॉइंट्स का अरेंजमेंट। क्लियर है? अब देखिए इस लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। ये पूरा का पूरा जो बनाया है ये लैटिस है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पकड़ने के लिए मैंने क्या बदमाशी करी पता है? ये जहां जहां पर गोले लगाए हैं इन गोलों को, इन जगह को मैं बोलता हूं लैटिस पॉइंट। क्या कहता हूं बेटा? लैटिस पॉइंट। मैंने क्या किया कि ये जो लैटिस पॉइंट है इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ना चालू कर दिया। देखो इस तरीके से मैंने लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना चालू किया। तो जैसे ही मैं लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा तो मुझे पूरे के पूरे लैटिस में एक रेगुलर ज्योमेट्री सी नजर आने लगी। ये ज्योमेट्री आपको लगभग शायद क्यूब की तरह दिख रही होगी, दिख रही है क्यूब की तरह? और अगर आप थोड़ा विजुअलाइज करें चीजों को तो आपको पता चलेगा कि सर पूरे लैटिस में इस क्यूब का रिपीटेशन हो रहा है। इसके आगे ऊपर तो है, इसके नीचे पीछे भी इसी तरह के क्यूब रहेंगे, बताया ना मैंने। ये अंतिम नहीं है बेटा, इसके पीछे भी इसी तरह के क्यूब उपस्थित रहेंगे लाइक दिस। ठीक है, इसके पीछे भी इसी तरह के क्यूब उपस्थित रहेंगे और पीछे रहेंगे, नीचे भी इसी तरह के क्यूब रहेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो क्यूब है ये सबसे छोटी ज्योमेट्री है, ये सबसे छोटी रेगुलर ज्योमेट्री है जो पूरे लैटिस में रिपीट हो रही है। मतलब आगे क्यूब, पीछे क्यूब, ऊपर क्यूब, नीचे क्यूब, आगे है ना, सामने क्यूब और बैक साइड में भी क्यूब। तो ये सबसे छोटी ज्योमेट्री जो पूरे के पूरे अरेंजमेंट में रिपीट हो रही है, इसे यूनिट सेल नाम देते हैं। इसका नाम है यूनिट सेल। यूनिट सेल को क्या बोला मैंने?
स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस लॉजिक इज कॉल्ड यूनिट सेल। पूरे एटॉमिक अरेंजमेंट या स्फीयर के अरेंजमेंट में वो सबसे छोटी ज्योमेट्री जिसका रिपीटेशन हमें दिख रहा है इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो मैंने आपको अभी बताया है स्पेस लैटिस और यूनिट सेल के बारे में, आप सोचे विचारे और यदि ये क्लियर है तो आप जवाब दे हाँ, और यदि कोई डाउट है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना डाउट पूछे बेटा। क्लियर है? चलिए, कई किताबों में आप देखेंगे कि स्पेस लैटिस का एक और नाम दिया रहता है। स्पेस लैटिस को कई किताबों में आप देखिए क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्रिस्टल लैटिस। तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। यदि आपने कोई वास्तविक क्रिस्टल लिया है, जैसे मान लो आपने ले लिया बच्चों सोडियम, तो सोडियम आपने सैंपल जो लिया है, सोडियम सैंपल में क्या होगा? उसमें इसी तरह से एटम्स के रूप में कौन जमा रहेगा? अरे सोडियम एटम। अरे इन गोले गोले की जगह कौन आएगा? सोडियम एटम। तो अगर इन गोले गोले की जगह आप सोडियम एटम लगा दे तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा ये बनेगा सोडियम का क्रिस्टल लैटिस। मतलब सोडियम के क्रिस्टल में सोडियम एटम का अरेंजमेंट। कितना सिंपल है यार, क्रिस्टल लैटिस तो समझ गए, क्रिस्टल में एटम का अरेंजमेंट सिंपल। अगर ये सिस्टम सोडियम होता तो आप जगह जगह सोडियम एटम लगा देते, अगर ये कॉपर होता तो जगह जगह कॉपर एटम लगा देते, तो वो क्या बन जाता? कॉपर में कॉपर एटम का अरेंजमेंट, तो वो कॉपर का क्रिस्टल लैटिस हो जाता, सिंपल। 30 सेकंड का समय, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यूनिट सेल का मतलब है पूरे लैटिस मतलब स्फीयर के अरेंजमेंट में सबसे छोटी ज्योमेट्री जो रिपीट हो रही है। जैसे आपने बगल में देखा वो है, कौन है आपके बगल में? दीवार। तो पूरा का पूरा दीवार जो है इसमें सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है वो कौन है? ब्रिक। अरे हाँ या ना, दीवार में सबसे छोटी यूनिट जो रिपीट हो रही है वो कौन है? ब्रिक। तो दीवार हो गया पूरा लैटिस मान के चलो ऐसे, और ब्रिक हो गया उसका यूनिट सेल। बोलिए हाँ के ना। हाँ ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। कितने अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल संभव है? क्रिस्टल मतलब कितने अलग अलग प्रकार के लैटाइस संभव है? तो देखिए हम क्या सीखने वाले हैं, अगला क्रिस्टल क्लास या इसको कह सकते हैं हैबिट, या इसको नाम दिया जा सकता है सिस्टम। कितने अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल क्लास हैबिट या सिस्टम हो सकते हैं? तो पहले ये समझना होगा कि सर ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होगा। क्रिस्टल क्लास, कितने अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल क्लास है, ये क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होगा? अब ये क्या चाह रहा है रिया? सर वैसे बॉडी में सेल है, यूनिट सेल है। अरे तो बायोलॉजी से बाहर निकल, बायोलॉजी की दीवानी, इधर ध्यान लगा। क्रिस्टल क्लास किसके हिसाब से होगा तो ध्यान से सुनिए। यदि मैं कोई 3D यूनिट सेल लेता हूँ, यदि मैंने कोई 3D यूनिट सेल लिया बेटा और मैंने उसको इस तरह से बनाया, इसी 3D यूनिट सेल को, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओरिजिन, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन निकल रही है इसको मानो एक्स एक्सिस, 3 एक्सिस होगी ना, ये ले लो वाई एक्सिस और ये ले लो जेड एक्सिस, समझे बच्चों? अब जो एज लेंथ है, एज लेंथ मतलब एक्सियल लेंथ, एज लेंथ बोलिए या क्या बोल सकते हो? एक्सियल लेंथ। अरे एक्सियल लेंथ मतलब एक्सिस की लेंथ। जो एज लेंथ या एक्सियल लेंथ होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। और इसके अपोजिट वाला जो एंगल है, इस डंडी के अपोजिट का एंगल, इंटरएक्सियल एंगल ये होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक। जो एज लेंथ पाई जाती है अलोंग वाई एक्सिस
वाई एक्सिस के अलोंग जो एज लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, उसका अपोजिट एंगल कहलाता है बीटा, और जो एज लेंथ पाई जाती है अलोंग जेड एक्सिस उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और उसका अपोजिट वाला एंगल होता है गामा। तो किसी भी थ्री डी यूनिट सेल की पहचान करने के लिए हमें जानकारी चाहिए उसके एक्सियल लेंथ ए बी सी के बारे में और इंटर एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा के बारे में, इनका रिलेशन चाहिए। इन रिलेशन की मदद से अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल पहचाने जाते हैं। ठीक है तारुषी, और बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अभी वहीं तक कंसंट्रेटेड रहे जो डिस्कशन चल रहा है, आगे आगे दौड़ के जाएंगे कि एक यूनिट सेल में 8 आइटम होते हैं कि 6, वो अभी इलॉजिकल होगा बेटा, समय आने पर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ठीक है चलिए, मैं क्या कह रहा था कि किसी भी 3D यूनिट सेल की पहचान करने के लिए कि कौन से प्रकार का यूनिट सेल है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के। तो बच्चे ने खोपड़ी खिंचाई कि सर क्या क्या बोलते रहते हो यार, हम इसका क्या करेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे। देखिए एक दो एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे एक क्रिस्टल क्लास होती है क्यूबिक, है ना, एक क्रिस्टल क्लास होती है मान लो क्या ट्राइक्लिनिक, अभी सिखाऊंगा ये मैं। तो क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक में क्या अंतर है, आप पूछेंगे सर क्या अंतर है क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक में, वही अंतर तो एस्टेब्लिश होगा किसकी मदद से, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा की मदद से। क्यूबिक एक ऐसे क्रिस्टल क्लास होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, और जो एंगल है अल्फा बीटा गामा वो तीनों आपस में भी बराबर है, और उनकी वैल्यू कितनी है 90, समझे। तो वो क्रिस्टल क्लास क्यूबिक होगी जिसमें ये रिलेशन पाया जाएगा, आई बात ना समझ में, हाँ। और ट्राइक्लिनिक वो होगा जिसमें, लो जी सर ट्राइक्लिनिक तो मुझे क्यूबिक का बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, क्यूबिक में सारे इज इक्वल टू थे, ट्राइक्लिनिक में सारे नॉट इक्वल टू रहेंगे। तो बताओ, मैंने उदाहरण के रूप में बताया अभी आपको क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक में अंतर क्या है, ये किससे पहचाना, किससे पहचाना, यही तो पहचाना उनके ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के रिलेशन से। ठीक बात, अरे थोड़ा थोड़ा तो भेजे में गया ना, ये बिल्कुल नहीं गया, हाँ। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, फिर एक हम ब्रेविस लेटाइसिस भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम, ब्रेविस लेटाइसिस, ये है ब्रेवी लेटाइसिस। तो ये जो हम सीखेंगे ये होगा वास्तविकता में, अभी जो क्रिस्टल क्लास सीखी थे ना, जैसे आपने मान लो क्यूबिक सीखा, तो नेचर में क्यूबिक लेटाइस जो है, नेचर में क्यूबिक लेटाइस कितने प्रकार से पाया जाता है, सर ये कैसे होगा बता रहा हूँ। तो ये जो यूनिट सेल है, ये जो हमारे पास यूनिट सेल है, वो दो तरह का हो सकता है, या तो यूनिट सेल को आप नाम दोगे बेटा प्रिमिटिव, क्या नाम दोगे प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को चाहे तो सिंपल भी कह सकते हो प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर यूनिट सेल होता है, अरे प्रिमिटिव का नॉन उल्टा क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का उल्टा होता है नॉन प्रिमिटिव, या फिर इसे कह सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सर इस चैप्टर में तो हमको सब कुछ ही नया नया दिख रहा है कि पहली बार ही पढ़ रहे हैं, हाँ बेटा इस चैप्टर में आपको सारी चीजें नया मिलेगा, बट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज फिजिक्स में भी काम आएगा। सुनिए प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट सेल जिसमें स्फीयर, स्फीयर मतलब गोले, स्फीयर्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, जिसमें स्फीयर केवल कॉर्नर पे उपस्थित है, जैसे उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ये हमने कोई यूनिट सेल बनाया, तो यदि इसमें एटम केवल कॉर्नर पे लगाए हैं तो इसका नाम होगा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम केवल कॉर्नर पे है। तो सर फिर नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा,
नॉन प्रिमिटिव में क्या लिख रहा हूं मैं, स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस अदर सेंटर। कॉर्नर पर तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, बट कॉर्नर के साथ साथ दूसरे सेंटर पर भी रहेगा। सर दूसरे सेंटर का मतलब नहीं समझ में आया, तो दूसरे सेंटर का मतलब ये है कि नॉन प्रिमिटिव अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक है स्पेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हाँ सर, अब नाम सुनकर थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ने लगा। फेस सेंटर्ड का शायद ऐसा मतलब होगा कि यहाँ पर एटम फेस सेंटर पर रहता है। नहीं, पूरा बोलो, फेस सेंटर में एटम कहाँ रहेगा? पहले कॉर्नर पे, सबसे पहले। किसी भी क्रिस्टल के अंदर घुस के उसका यूनिट सेल देखोगे तो जस्ट बी श्योर अबाउट दिस थिंग कि सबसे पहले एटम कॉर्नर पे रहेगा, उसके बाद दूसरे सेंटर्स पर रहेगा। तो देखिए एटम कहाँ पर रहेगा, अगर नाम है फेस सेंटर्ड तो एटम कहाँ पर रहेगा? सबसे पहले कॉर्नर पे, सबसे पहले कॉर्नर पे। कॉर्नर के पास में कहाँ जाएगा? तो कॉर्नर के बाद में रखना है भाइयों और बहनों एटम को, कहाँ पर? फेस सेंटर पे। बोलो जी, क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो दूसरा बताता हूँ मैं, फेस सेंटर के बाद दूसरा कौन सा होगा? दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सर नाम से समझ गए, अब एटम रहेगा। हम बताएं सर? जी आप बताइए, अब एटम रहेगा, रिप्लाई कीजिए। अब एटम रहेगा कहाँ कहाँ? बोलो बेटा, बोलो बेटा, अब एटम कहाँ रहेगा? नहीं मजा आया? हाँ, हिमांशु ने बेहतरीन आंसर दिया है, बाकी बच्चों का कमजोर आंसर निकला। तारुषि का बढ़िया आंसर है, हाँ शारिका ने बेहतरीन आंसर दिया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर पहले एटम डालोगे कॉर्नर पे, इसको नहीं भूलो यार, पहले एटम डालोगे कॉर्नर पे, उसके बाद बॉडी सेंटर पे आएगा। तो लो जी, ये कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये कॉर्नर के हो गए। अब एटम को आपने डाला बॉडी सेंटर पे। लास्ट 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 वाले का नाम है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है? इसमें लिख भी देता हूँ एटम कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये थोड़ा अलग है। एटम्स आर, सर एटम की स्फीयर, अरे बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल है उसको स्फीयर से ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हो। स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट, सबसे पहले कहाँ? कॉर्नर। उसके बाद कहाँ? पेयर ऑफ कॉर्नर के बाद कहाँ पर? सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस, ऐसे कैसे लिखूं मैं, सेंटर ऑफ एनी वन अपोजिट फेस पेयर। अब मैंने लिख दिया, मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़कर देखें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाऊंगा ना, उसमें घबराने की क्या बात है बेटा। ये मैंने वापस से यूनिट सेल बनाया, एटम को कहाँ डाला? तो सबसे पहले तो डाला मैंने कॉर्नर पे, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। फिर कहाँ डाला? सेंटर ऑफ एनी वन अपोजिट फेस पेयर। अपोजिट फेस पेयर पकड़ना रे, अपोजिट फेस पेयर, आमने सामने फेस का जोड़ा, बताया था कमरे में, सामने वाला फेस पीछे वाला फेस पेयर हो गया, दाएं वाला फेस बाएं वाला फेस पेयर हो गया, ऊपर वाला फेस नीचे वाला फेस पेयर हो गया, समझे? तो कोई भी एक फेस का पेयर पकड़ लो, कोई भी एक। जैसे आपने बोला कि सर एक फेस तो हमने ये पकड़ लिया और एक इसके सामने वाला ये पकड़ लिया, तो ये कहलाते हैं दो एंड फेसेस। मतलब आप यूं मान के चलो कि आप कमरे में एक दीवार से घुस रहे हो अंदर और सामने वाली दीवार से बाहर निकल रहे हो, तो यही तो दो एंड हुए कमरे के। आप इस दीवार से घुसे, ढोई, इस दीवार से बाहर निकल गए,
तो दो एंड फेसेस कौन से हुए कमरे के, ये आमने सामने वाले, ऊपर वाली दीवार से अंदर आए, नीचे वाली दीवार से बाहर निकल गए। तो ये मैंने आपको बताया है प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का मतलब। आर्यन कह रहा है कि सर बोर्ड मुझे बहुत ब्लर दिख रहा है, तो क्या आर्यन के जैसा कोई और विद्यार्थी भी है जिसको ब्लर दिख रहा है बोर्ड? नहीं, मतलब आर्यन थोड़ा नेटवर्क कमज़ोर है, तेरा नहीं मतलब तेरे इलाके का, तेरे इलाके का थोड़ा नेटवर्क कमज़ोर है, ठीक हो जाएगा, घबरा नहीं। अतुल सबकी चैट दिख रही, यहाँ पर कोई मैंने टैगिंग थोड़ा ना कर रखी है कि अतुल की चैट नहीं दिखे, लेकिन जब बोर्ड पे समझाता हूँ उस दौरान मैं आपका जो मैसेजेस है वो नहीं देख सकता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं एक आँखों का जोड़ा पीछे भी लगवा लूँगा, जैसे सामने है ना वैसे पीछे भी लगवा लूँगा, उससे फ़ायदा होगा कि लिखते लिखते भी मैं आपकी चैट देख पाऊँगा, ठीक है? हाँ जी, बट आज नहीं। हाँ रिया, सब कुछ पॉसिबल है बेटा साइंस में, है ना, आज नहीं कर पाऊँगा, आज नहीं है मेरे पास पीछे आँखें। चलिए आगे बढ़े, इतना क्लियर है। तो हम डिस्कस क्या करने वाले थे, ध्यान देना, मुद्दा मत छोड़ देना। हम डिस्कस क्या करने वाले थे, क्रिस्टल क्लास कितने प्रकार के हैं, क्रिस्टल क्लास, तो क्रिस्टल क्लास का क्लासिफिकेशन किस आधार पे होता है वो मैंने आपको बताया। चलो जी अब क्रिस्टल क्लास पे चलते हैं। तो पहला कॉलम तो मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा निमोनिक, याद करने का तरीका। अगले वाले में आया है क्रिस्टल क्लास, क्लास हैबिट, ये सब एक ही चीज़ है। अगले में आएगा एक्सियल लेंथ, एबीसी का रिलेशन। सर ये याद भी करवा देना, हमने सुना है कि इसको याद करना बड़ा मुश्किल रहता है। नहीं रे, आसान रहता है। एक्सियल एंगल, ठीक। फिर इसमें आ जाएगा ब्रेविल अटैचमेंट। चलिए जी सबसे पहले निमोनिक लिख देता हूं मैं, क्लास टीचर ऑफिस में हंसती रहती थी। अब हमें कारण नहीं पता है क्यों हंसती रहती थी, हमने पूछा नहीं, खैर उसने बताया नहीं, पूछते तो कौन बता देती, हंसती रहती थी। तो ये अपना निमोनिक है, एक एक करके आप पिक करते जाना, ठीक है? अब किसको देख के वो तो पता नहीं बेटा, बोल तो रहा हूँ मैंने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। सुनिए, सी से कौन सी क्रिस्टल क्लास है, क्यूबिक। टी से होगा टेट्रागोनल, ओ से होगा ऑर्थोरोम्बिक। सर एक बार दोबारा बताओ ना, ये जो लिख रहे हो क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक किसके आधार पे लिख रहे हो? अरे बेटा ए बी सी अल्फा बीटा गामा, उसी के आधार पे तो है। एम से आएगा मोनोक्लिनिक, है ना। एच से आएगा हेक्सागोनल, है ना। एच से आर से आएगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का एक और नाम होता है, इसे ट्राइगोनल भी कहते हैं, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। टी से आएगा ट्राइक्लिनिक। तो लो जी ये अगर आप गिन कर देखेंगे तो कुल मिलाकर 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जो बच्चों नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हैं। सर याद करना है, हाँ इम्पोर्टेंट है, हाँ आगे बढ़ते हैं। इनके ए बी सी एक्सियल लेंथ का रिलेशन, तो देखो ए बराबर बी बराबर सी, सर क्या सब में सेम रिलेशन होता है क्या, ए बराबर बी बराबर सी वाला? नहीं रे, अभी समझाता हूँ बच्चों। मैंने आपको बोला था इन 7 में से सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन है, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक क्यूब, उसमें सारे इज इक्वल टू मिलते हैं। क्यूब में क्या मिलता है बेटा, सारे इज इक्वल टू। तो देखो क्यूब तो आप जानते ही हो, वैसे भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, तीनों एंगल आपस में बराबर और 90 डिग्री के बराबर, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है लास्ट ट्राइक्लिनिक, इसमें सारे नॉट इक्वल टू पाए जाते हैं। ये 2 तो हो गया,
सर बाकी कैसे याद करे, करवा रहा हूँ बेटा। पहले मैं दोनों इज इक्वल टू लगाया, अब एक एक इज इक्वल टू को काटते जाओ, मतलब इसमें कर दो एक नॉट इक्वल टू। बात आई समझ में? अगले वाले में क्या करोगे, समझ ही गए? इसमें दोनों नॉट इक्वल टू कर दो, आई बात समझ में? अब उल्टे क्रम में चलो, उल्टे क्रम में तीसरा और चौथा भाई भाई दोनों नॉट इक्वल टू, दूसरा और पांचवा भाई भाई एक नॉट इक्वल टू, पहला और छठा भाई भाई दोनों इक्वल टू। बोलो क्या इतना कर पाओगे? ये जुगाड़ समझ में आई कैसे याद करना है रिलेशन? बहुत मुश्किल तो नहीं है? अरे शर्माते बहुत हो एक तो तुम। क्लियर है? ओके बेटा। क्रांतिकारी पार्थ, यार तुम्हारे साथ ये तो बड़ी समस्या है, जो सामने बता रहा हूँ उसमें कोई मतलब नहीं हर जगह की। सर इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा पार्थ बेटा? इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो समय पे हम डिस्कस करेंगे, पहले जो मूल मुद्दा है वो तो पकड़ ले बेटा। हाँ जी चलिए अब आगे बढ़ते, सुनिए प्लीज, मस्ती नहीं, आगे बढ़ते। देखो आप ध्यान से सुनिएगा, हेक्सागन जरूर आपने कभी ना कभी देखा होगा, थ्री हेक्सागन कैसे लगभग ऐसे बनता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत ड्राइंग तो नहीं कर सकता हूँ, बट तब भी कोशिश रहती है कि थोड़ा ठीक ठाक बना लो जिससे बच्चा थोड़ा बहुत समझ ले अच्छे से। लो जी ये होता है हेक्सागन, है ना, जिसमें ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये लंबाई और ये जो है ये दो एज लेंथ ये आपस में बराबर रहती है, लेकिन ये वाली लंबाई क्या रहती है उससे डिफरेंट। बोलो ये बात समझ में आई क्या आपको? ये दोनों लेंथ आपस में बराबर रहती है लेकिन ये वाली ऊंचाई से डिफरेंट रहती है, क्लियर है ना पक्का? हाँ हाँ हाँ। फिर एंगल की बात करते, बताओ जरा ये वाला एंगल आप बता सकते हो कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल बता सकते हो कितने का होता है? अरे यार लगाओ दिमाग, ऐसे क्या ढीले डाला, अरे गजब गजब बहुत बढ़िया। अरे यार हेक्सागन में ना देखो ये एक बना हुआ है वी और ये ऊपर डंडा खड़ा है, तो डंडा इस बेस वाली लाइन के साथ तो 90 डिग्री ही बनाएगा ना बेटा, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इधर देखो ये वाला एंगल कितने का होगा रे, क्या ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्या? अच्छे से देख के बताना। हाँ शाबाश। और फिर एक और एंगल बचेगा, कौन सा? ये एंगल, ये एंगल कितने का होगा बताओ? 120 का। बस बस बस, तुम जैसे होशियार बच्चे तो ढूंढने से नहीं मिलते हैं, बढ़िया। तो अब हम एबीसी का जैसे रिलेशन हमने याद किया था जुगाड़ से, वैसे अल्फा बीटा गामा पकड़ते हैं। तो ध्यान से सुनिए बेटा, शुरुआत के जो तीन है क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इन तीनों में एंगल 90 डिग्री का होता है, तीनों एंगल 90 डिग्री के, एंगल के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। इन तीनों के एंगल अल्फा बीटा गामा जो है तीनों के एंगल 90 डिग्री के ही रहते हैं। अंतर क्या रहता है बताएं? केवल लंबाई चौड़ाई के रिलेशन का, क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है ना, टेट्रागोनल में लंबाई चौड़ाई बराबर ऊंचाई डिफरेंट, ऑर्थोरोम्बिक में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट रहती है लेकिन एंगल सबके 90 डिग्री रहेंगे, क्लियर रखना। फिर कहां पर आ गए? हेक्सागन में, हेक्सागन में तो बताया अभी आपको दो एंगल अल्फा बीटा 90 के थे, एक एंगल था 120 का, बता दिया। रोम्बोहेड्रल ये रोम्बस की तरह रहेगा, स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई बराबर रहती है, रोम्बस में भी लंबाई चौड़ाई बराबर रहती है, इसमें सारे एंगल बराबर है, है ना? अरे सारे एंगल बराबर है ना, इसमें भी सारे एंगल बराबर है। अंतर क्या रहता है कि इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है, आपस में तो बराबर है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपस में बराबर है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। बस एक बच जाएगा आपके पास जो आपको याद करना होगा, वो कौन सा है? मोनोक्लिनिक, बस एक बचेगा। इसमें जो दो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं और एक एंगल 90 से डिफरेंट रहता है। लो जी तो ये मैंने आपको तरीका बताया है एंगल इनके याद करने का, मुझे जो लगा आसान से आसान मैंने मेरी तरफ से करके बता दिया है, क्लियर। अब चलते हैं कि इनके साथ जुड़े ब्रेविलेटाइसिस कितने होते हैं। मैंने क्या बोला था, ब्रेविलेटाइसिस का आधार क्या रहेगा बताया था ना, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये आधार है।
सर ये कैसे पता लगाते हैं? ये नहीं पता लगाना है, ये हमको याद ही करना है बेटा, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसको याद ही करना होगा, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल तीन प्रकार का होता है, कौन से तीन प्रकार का रहेगा? तो ये हैगा पी, पी मतलब प्रिमिटिव, एफ सी मतलब फेस सेंटर, बी सी मतलब बॉडी सेंटर। ऐसे टेट्रागन दो प्रकार का रहता है, पी और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक चार प्रकार का होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड, है ना। उसके बाद कौन आया? मोनोक्लिनिक दो प्रकार का होता है, प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। बाकी सारे केवल एक एक प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव। अगर इनको जोड़े तो 14 ब्रेवी लेटाइसेस बनते हैं। तो लो जी, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। पूरे 30 सेकेंड तक ये आपके सामने रहेगी, अच्छे से घूर घूर के देखे। अब चलते हैं सवाल पे। तो पुरानी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं वो किस तरह के सवाल है? बहुत सिंपल आपसे पूछा जाता है, बताइए ट्राइगोनल क्रिस्टल के अंदर ए बी सी और अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या होता है? इस तरह के बेसिक बेसिक सवाल पूछते हैं। हाँ नैनी, जो वन वन लिखा है वो सारे प्रिमिटिव होंगे, ठीक है। अच्छे से देखिए, किसी के मन में और कोई सवाल तो नहीं आ रहा है? बातचीत करने में, पूछने में, इसमें कोई हेजिटेशन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि इस समय पे बच्चे के सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। और लगता है कि नहीं जी, ये सवाल तो अभी चर्चा करना ज़रूरी है, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर बच्चे को डांटना ज़रूरी है, वहाँ पर बच्चे को डांट भी देते हैं। हाँ, ये सब मॉड्यूल में है बेटा, घबराइए नहीं। जो भी सिलेबस हम पढ़ रहे हैं वो मॉड्यूल और किताबों में तो है ही सही, ठीक है। हाँ जी, चलिए, ये कौन कौन से हैं ये याद नहीं रखे तो भी चलेगा, लेकिन 14 प्रकार के ब्रेवी लेटाइसेस होते हैं ये याद रखिएगा, ठीक है। 14 प्रकार के ब्रेवी लेटाइसेस है ये याद रखना जरूरी है बेटा, क्लियर है ना। चलिए जी, अब ये तो हेक्सागन था, ये किसी काम का नहीं रहा, इसको हटा दो। अब हम चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच चुके हैं। आप मान के चलो 40% चैप्टर जो है, 40% ये उस पर आधारित है जो हम अभी सीखने वाले हैं। अभी हमने देखा कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें तीन प्रकार के यूनिट सेल बन सकते हैं, कौन सा? प्रिमिटिव, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। तो आज हमको इसी पे चर्चा करनी है। तो देखो मैं टॉपिक क्या लिख रहा हूँ, मैं टॉपिक लिख रहा हूँ बेटा, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ या फॉर्म्ड बाय आइडेंटिकल एटम। थोड़ा समझाता हूँ, पेशेंस रखिए और बोर्ड पर देखिए बेटा। बेसिकली ये जो लेटाइस वगैरह है, लेटाइस मतलब स्फीयर, मतलब गोले का अरेंजमेंट, ध्यान से सुनना। यदि आपने गोलों को इस प्रकार से अरेंज किया है, कैसे जरा देखो, यदि आपने गोलों को आसपास सटा सटा कर रखा है ऐसे, सुन रहे ध्यान से, तो ये इस तरह से एक लेयर बन जाएगी, इस तरह से एटम की एक लेयर बन जाएगी। ये एटम आपने रखे जमीन पर, अब इन एटम के ऊपर दूसरी लेयर आपने रखी, सुन पा रहे हैं, इन एटम्स के ऊपर आपने दूसरी लेयर के एटम रखे, एग्जैक्टली एटम के ऊपर एटम, इस तरह से। एग्जैक्टली आपने कैसे रखा बेटा? एटम के ऊपर एटम रखा। देखो इसका एक व्यू आपको बताता हूं मैं, थोड़ा सा इंतजार, एक व्यू आपको बताता हूं कि लगभग किस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये देखो हमने क्या किया, ये एटम्स को जमाया एक प्लेन के अंदर,
और उनके आगे पीछे भी उसी प्रकार के आइटम रखे, ऊपर नीचे भी उसी प्रकार के आइटम रखे। दिख रहा है आपको ये व्यू? थोड़ा बड़ा कर दूं, लो जी, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि अब इन आइटम के सेंटर को यदि मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ूं, यदि इन आइटम के सेंटर को मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ूं, ये सेंटर को मैंने स्ट्रेट लाइन से जोड़ना चालू किया, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग ज्योमेट्री बनेगी, अब क्योंकि पीछे वाले आइटम की डंडियां दिखेगी नहीं मुझे, तो वो हमने पूरी पूरी बनाई नहीं है इस तरह से। तो आप ये पाएंगे कि यदि इनके आइटम्स को मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ूं तो मुझे क्या दिख रहा है? एक क्यूब दिख रहा है, और जो क्यूब दिख रहा है उसमें एटम को कहाँ कहाँ पर लगाया? तो आपने बोला सर देखो एटम ये कहाँ है, केवल एटम का सेंटर पकड़ना, ये सेंटर है कॉर्नर पे, अगले वाले आइटम का सेंटर है कॉर्नर पे, अगले वाले आइटम का सेंटर है कॉर्नर पे, इस तरह से आपको नजर आएगा। अब इसको बंद कर रहा हूं मैं। ये जो अरेंजमेंट है आइटम्स का, ये जो अरेंजमेंट है आइटम्स का, इसी अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं क्या? इसको हम नाम देते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहला कौन है इसमें हमारे पास डिस्कशन के लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसका दूसरा नाम क्या बताया था सिंपल क्यूबिक का? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अभी हमने चित्र में देखा ही था प्रिमिटिव क्यूबिक में, प्रिमिटिव क्यूबिक में एटम्स कहाँ पर रहते हैं? तो एटम्स वास्तविकता में तो ऐसे बड़े बड़े एटम रहते हैं कॉर्नर पे जुड़े हुए, ऐसे बड़े बड़े, ये एटम जुड़ा है कॉर्नर पे, ये आइटम जुड़ा है कॉर्नर पे, इस तरह से। लेकिन हम इसको समझने के लिए इतने बड़े बड़े आइटम नहीं बनाएंगे, आइटम को छोटे से स्फीयर के रूप में बनाते हैं, क्योंकि हम अभी चीजें केवल समझना चाहते हैं। लो जी, अगर आपसे पूछता कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आइटम कहाँ उपस्थित रहते हैं या स्फीयर कहाँ उपस्थित रहते हैं, तो देखो क्या लिखा मैंने, स्फीयर्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, क्यूब के केवल कॉर्नर पे स्फीयर उपस्थित है। देखो याद है आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, यदि क्यूब के कॉर्नर पे कोई आइटम उपस्थित रहेगा तो पूरा पूरा आइटम उस क्यूब में नहीं रहता है, याद है बताया था ना, फेस सेंटर पे 1/2 रहता है, बॉडी सेंटर पे पूरा रहता है, एज सेंटर पे 1/4 और कॉर्नर पे केवल 1/8। तो यदि हम निकालना चाहते हैं जेड, जेड का मतलब क्या होता है, लिख रहा हूँ पढ़कर देखें, जेड का मतलब है इफेक्टिव स्फीयर इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव स्फीयर कितने हैं? तो आप बताइए कहाँ कहाँ पर है गोले कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे 1/8 मल्टीप्लाइड बाय टोटल कॉर्नर कितना हुआ? वन, मतलब वन स्फीयर उपस्थित रहेगा पर यूनिट सेल। इसको अच्छे से पढ़कर देखें जितना बोर्ड पर है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़कर देखें, 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बोलो ये क्लियर है क्या बच्चों? हाँ जी रिया। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्या डिस्कस करना है हमको, अब हमको डिस्कस करना है कि कौन से स्फीयर है जो एक दूसरे को टच करेगा, कौन से स्फीयर है जो एक दूसरे को टच करेगा। इस तरह से अगर आपने स्फीयर कॉर्नर कॉर्नर पर लगा दिए तो कौन सा स्फीयर एक दूसरे को टच करेगा, ये देखिए आपके सामने, ये कॉर्नर का आइटम है ना, ये कॉर्नर का आइटम है, ये कॉर्नर वाला आइटम और ये एडजेसेंट कॉर्नर वाला आइटम, इस कॉर्नर के साथ ये एडजेसेंट कॉर्नर वाला आइटम, तो क्या दिख रहा है आपको? एडजेसेंट कॉर्नर के जो आइटम है वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो लो जी हम यहाँ पर भी लिख देते, एटम्स
प्रेजेंट एट, ये एस लिखा है, प्रेजेंट एट एडजेसेंट कॉर्नर, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला, एडजेसेंट कॉर्नर टचेस, अगल बगल के कॉर्नर पर जो एटम है वो एक दूसरे को टच करेगा। मतलब यदि मैं सामने से फेस की फोटो बना लूं, ये बनाई मैंने फेस की फोटो, है ना, तो एटम कहाँ पर है, कॉर्नर कॉर्नर पे एटम, ये आइडेंटिकल स्फीयर है तो सेम साइज के बनाना, छोटे बड़े नहीं बनाना। इस तरह से व्यू आपको नजर आएगा किसी फेस का। तो अब देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं नीचे, अगर मैं आप में से किसी बच्चे से पूछूं कि ये जो डंडी है इस डंडी को क्यूब में क्या नाम देते हैं, बेटा इसे क्या नाम दिया जाता है क्यूब में, ये जो व्हाइट एज, बहुत बढ़िया, और पता तो है एज की लंबाई को हम क्या कहते हैं, ए, एज लेंथ को हम कहते हैं ए। अब दूसरा सवाल, ये जो रेड कलर से मार्क कर दिया है, क्या ये एटम का रेडियस है, क्या क्या ये नीले वाला एटम का रेडियस है, आपका जवाब है हाँ, ये वाला भी नीले एटम का रेडियस है, तो क्या रिलेशन निकल के आया हमारे पास, ए बराबर टू आर, नक्की करो ये क्लियर हुआ क्या, ए बराबर टू आर, ये रिलेशन करेक्ट है, हाँ जी। सितारा, और क्या निकालने के लिए बोला जाता है, हमसे बोला जाता है बताओ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सर सब कुछ नया नया सा दिख रहा है, जी हाँ बेटा बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में सब कुछ नया नया है, तो क्लास मिस नहीं करना। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, बच्चों यदि हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब समान आकार के स्फीयर है, तो एक एटम जो है उसको दूसरा जो एटम टच कर रहा है, बट ऑब्वियसली बात है सेम साइज का होगा, तो इनके सेंटर के बीच में जो दूरी होती है वो कहलाता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, दो सबसे नजदीक वाले स्फीयर के सेंटर के बीच में दूरी कितनी होगी रे, टू आर। बट यदि आपके पास अलग अलग आकार के एटम होते, मतलब एक छोटा एक मोटा, अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी कितनी होती लाला, अरे छोटे वाले का रेडियस छोटा आर, बड़े वाले का रेडियस बड़ा आर, या आप लिख सकते हो आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। तो ये कब लेना है बेटा, जब अलग अलग आकार के आइटम है। नहीं 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 सर, हमारे पास तो साफ साफ बोला था आइडेंटिकल आइटम, मतलब सभी आइटम समान आकार के है, तो हमारे लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा टू आर। लो जी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हुआ, टू आर, कितनी आई थी टू आर की वैल्यू, ए। सितारा क्या लिखा जा रहा है, अब देखो क्या आप इसको पढ़ के समझ लोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे सर फिर कुछ नया आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब पड़ोसी की संख्या, आसपास से उस एटम को कितने एटम टच कर रहे, ये निकालना बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि आज की पहली स्लाइड में यही बताया था आपको, याद है किसी भी कॉर्नर आइटम के कितने पड़ोसी होंगे, यदि उसका पड़ोसी उपस्थित है एज पर तो 6, बॉडी डायगनल पे तो 8, और यदि फेस डायगनल पे तो 12। सिंपल, आप बताइए यहाँ पर क्या बोला था, कौन एक दूसरे को टच कर रहा है, कॉर्नर वाला आइटम टच कर रहा है एडजेसेंट कॉर्नर को, तो किसी भी कॉर्नर को पकड़ लूँ मैं तो इसका पड़ोसी जो है ये रहा, अरे एडजेसेंट कॉर्नर वाला ही तो इसका पड़ोसी है, आप बताओ कि इस एटम का पड़ोसी कहाँ बैठा है, एज पर बैठा है, बॉडी डायगनल पे है या फेस डायगनल पे, बताइए जल्दी से, एज पर है नैनी, वेरी गुड, क्योंकि इस कॉर्नर एटम का पड़ोसी एज पर उपस्थित है, तो एज पर कितने नियरेस्ट नेबर होते हैं, 6, एज पर 6, बॉडी डायगनल पे 8, फेस डायगनल पे 12, ये बताया था आपको, क्लियर है। चलिए जी बहुत बढ़िया, लास्ट एक और चीज बची है इसमें डिस्कशन के लिए, वो क्या है उसका अच्छे से नाम लिख रहा हूं, देखिए आप पढ़ के, लास्ट क्या डिस्कस करना है,
लास्ट हमको डिस्कस करना है पैकिंग एफिशिएंसी, या इसे हम कह सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी बोलो या पैकिंग फ्रैक्शन बोलो, एक ही बात है। क्या होता है मतलब, सुनो। यदि बेटा जिस कमरे में आप बैठे हो, मैं आपसे बोलूं कि इस कमरे में आप फुटबॉल बहुत ज़्यादा संख्या में फुटबॉल दे रखिए, और आपसे बोलूं कि इस कमरे में फुटबॉल जमाना चालू करो, 3D में लाइन बना दो, प्लेन बना दो, फिर पूरे कमरे में धपाधप फुटबॉल जमा दो। सवाल, क्या फुटबॉल कमरे का 100% वॉल्यूम घेरेंगे या नहीं? जवाब दीजिए, क्या फुटबॉल कमरे का 100% वॉल्यूम घेरेंगे? नहीं। कितना वॉल्यूम घेरा है फुटबॉल ने कमरे का, ये कैसे निकाल सकते हो? बेटा कमरे का कितना परसेंट वॉल्यूम, एरिया नहीं वॉल्यूम बता रहा हूँ मैं, क्रांतिकारी बच्चे, कितना परसेंट वॉल्यूम घेरा है कमरे का फुटबॉल ने, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? तो जवाब है सर बहुत आसानी से। मैंने पूछा कैसे, आपने बोला सर बोर्ड पे ध्यान लगाएंगे और निकल आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। कैसे निकलेगा आपको बताऊं? सिंपल है रे, फुटबॉल का टोटल वॉल्यूम, जितनी भी फुटबॉल कमरे में उपस्थित है उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कमरे का वॉल्यूम, और कैसे निकलेगा? तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी का भी यही मतलब होता है, इस क्यूब के अंदर स्फीयर मतलब गोले उपस्थित हैं, समझ में आ गई बात? तो क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जो स्फीयर है उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इटसेल्फ डिवाइडेड बाय है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए जी, अब आपको पता है एटम तो गोल गोल होते हैं और गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ये तो एक गोले का वॉल्यूम है, सिंपल क्यूब में कितने गोले थे लिखा तो है, इफेक्टिवली केवल एक ही गोला है, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट सेल हमारे पास क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम होता है बेटा ए क्यूब। सॉल्व करने के लिए रिलेशन लगा लो, क्योंकि क्या होगा, ऊपर रहेगा R और नीचे रहेगा A, से काट थोड़ा ना पाओगे, तो आपने लगा लिया A की जगह 2R, तो क्या रख दिया नीचे मैंने 2R³। इसको सॉल्व करने पर मिलेगा π/6। बच्चों π/6 का मतलब होता है 3.14/6, ये आएगा लगभग 0.52। कितना आएगा, 0.52 परसेंटेज में दिखाओगे तो स्पेस ऑक्यूपाइड, कितना स्पेस भर दिया है स्फीयर ने, स्पेस ऑक्यूपाइड आएगा 52%। अरे 52% स्पेस भर दिया तो वैकेंट स्पेस कितना हुआ, 48%। पूरे एक मिनट का समय आपको दिया जा रहा है इस कंप्लीट डिस्कशन को समझने के लिए। चलिए जी, समय ले, इस्तेमाल करें, इस पूरे डिस्कशन को पढ़कर देखें, समझे, कोई कायदे का सवाल आपको तंग कर रहा है पूछ सकते हो। इररिलेवेंट क्वेश्चंस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा, इधर चैप्टर लंबा है कि छोटा, चैप्टर कब खत्म होगा, कितने सवाल आएंगे चैप्टर से, इस तरह के डिस्कशन अभी नहीं कर पाएंगे बच्चों। आप पढ़कर देख ले एक बार अच्छे से सभी चीजों को। भूमिका और निखिल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सारा चैप्टर आगे पीछे से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है?
तो अगर आप कुछ क्लासेस मिस करेंगे तो उससे आप ही का नुकसान होने वाला है। आज के क्लास की शुरुआत में ही ये बात हमने डिस्कस करी थी कि क्यूबिक ज्योमेट्री की जब बात होगी, क्यूबिक ज्योमेट्री की, तो पहले ही आपको सिखा दिया है चैप्टर चालू करने के पहले, ताकि कोई इशू है ना नहीं रहे समझने को लेकर। कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में आपको बताया गया था कि यदि उसका पड़ोसी, नियरेस्ट नेबर उसका एज पर आ रहा है, एज पर, तो वो संख्या हमेशा 6 होगी। बॉडी डायगनल पे आ रहा है तो 8 होगी, और फेस डायगनल पे आ रहा है तो 12 होगी। ठीक बात है, तो ध्यान रखिए बेटा। फिर रही बात नेहल की, तो नेहल मैंने आपसे बोला है बेटा क्रांतिकारी सवाल प्लीज नहीं पूछे। अब नेहल का जानना है कि सर अगर एटम जो है वो स्फीयर की जगह स्क्वायर होता तो क्या होगा। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर हमारे गांव में एटम तो स्टार जैसा रहता है। फिर कोई बोलेगा हमारे गांव में एटम जेलीफिश जैसा रहता है। तो बेटा ये सवाल तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, ये खोजबीन आपको जो करनी है वो खुद ही करनी होगी बेटा। ठीक है, ये खोजबीन खुद ही करनी होगी, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर आप कोई आइटम स्क्वायर बना के ले आते, वैसे तो स्क्वायर कोई चीज़ होती नहीं है, क्यूब बोलना चाहिए, स्क्वायर नहीं, क्यूब। अगर आप क्यूब बना के ले आओ तो मैं थोड़ा सोच विचार करूँ भी सही, मैं भी मेहनत करूँ, बट जब तक आइटम स्फीयर है तब तक ऐसा ही चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करे प्लीज। आगे बढ़े बच्चों, याद है क्या आपको? सर क्या पूछते रहते हो, याद है, हमारी बत्ती वैसे नहीं जलती है, जलेगी रे, भरोसा रखो बेटा। अरे कहाँ गया, 1 2 3 4, यार तुमने मेरे से चिटिंग करी क्या? नहीं है तो सही, क्या सीखा था हमने, क्यूबिक क्रिस्टल कितने प्रकार के बताए थे, प्रिमिटिव ये तो समझ लिया, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, ये समझना है अपने को। लेकिन अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा ना, जैसे प्रिमिटिव किया ना बेटा, जो सारी चीज़ें हमने प्रिमिटिव में डिस्कस करी है उसी तरह से चीज़ें हमको फेस सेंटर, बॉडी सेंटर में भी डिस्कस करना है, तो थोड़ा जल्दी निपट जाएगा। देखिए अगला नाम मैं लिख देता हूँ, क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में FCC भी कहते हैं। स्फीयर मतलब गोले कहाँ उपस्थित रहते हैं, तो आप अपने कमरे में लगातार बोलते रहो, चिल्लाते रहो, स्फीयर कहाँ उपस्थित रहते हैं, स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट, जवाब मिला किसी बच्चे का, अरे सो गए क्या, स्फीयर कहाँ प्रेजेंट है FCC में, अरे यार तुम कॉर्नर कॉर्नर बोल के दिल तोड़ देते हो, हाँ पूरा बोला करो ना, स्फीयर्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, किसका, तुम्हारा कि मेरा, आपने बोला सर मेरा तेरा नहीं, क्यूब का, फोटो बना देता हूँ, ये खूबसूरत से क्यूब की फोटो, एटम को डाला कॉर्नर 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 कॉर्नर, आपने कॉर्नर पे एटम डाला, अब रखा हमने एटम फेस सेंटर पे इस तरह से। ठीक है, ये भी एटॉमिक अरेंजमेंट है, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट है, एक फेस सेंटर पीछे वाला, एक सामने वाला। सर कॉर्नर पे एटम का 1/8 हिस्सा उपस्थित रहता है, फेस सेंटर पे उपस्थित रहता है हाफ, तो अगर हम इफेक्टिव स्फीयर निकालना चाहे, इफेक्टिव स्फीयर आप निकाल करके बताओ एक बार कितना आएगा, इफेक्टिव स्फीयर, इफेक्टिव स्फीयर कितना है, एक यूनिट सेल में कितने गोले, हिमांशु का तगड़ा आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट, शारिका गुड बेटा, रिया गुड, नेहल शाबाश, गिनती तो गिनना है, पहले कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे 1/8 टोटल कॉर्नर 8, ये हो गया, फेस सेंटर 1/2 टोटल फेसेस 6, कितना हुआ 4, दैट इज 4 स्फीयर पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 4 स्फीयर उपस्थित होंगे। सर वो बताओ ना कि टचिंग टचिंग कौन खेलेगा, ओके टचिंग स्फीयर्स कौन रहेंगे, कौन से एटम एक दूसरे को टच कर रहे, तो अगर आप ध्यान से देखें पुरानी स्लाइड पर बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें पुरानी स्लाइड पर, ये हमने देखा था सिंपल क्यूब में। अब आप चाह रहे हो कि एटम कॉर्नर कॉर्नर पे तो डाले, और उसी के साथ उसी आकार का एक एटम, उसी आकार का एक एटम फेस सेंटर पर भी घुसा दो,
तो बताओ क्या इतनी जगह खाली है फेस सेंटर पे कि उसी आकार का एक एटम फेस सेंटर पे रख दे, हाँ या ना? क्या उसी आकार का एक एटम फेस सेंटर पर भी रख सकते हैं क्या? आपने बोला नहीं, लेकिन बेटा रखना तो है यार, रखना तो है। फिर आपने मुस्कुराते हुए बोला कि सर रखना है तो रख दो, उसमें क्या है। उसी आकार का एक एटम लेकर आए और दे धपाड़ आपने सेंटर पे डाल दिया, फेस सेंटर पे डाल दिया। तो जैसे ही आपने एक नया एटम फेस सेंटर पे रखा, कॉर्नर वाला एटम थोड़ा पास पास आ जाएगा या दूर दूर? कॉर्नर वाला एटम थोड़ा पास पास होगा या दूर दूर? दूर दूर हो जाएगा। तो कैसा नज़ारा दिखेगा आपको वो जरा देखिए, कैसा नज़ारा दिखेगा। ये हमने बनाया फेस, एक एटम फेस सेंटर पर रखा, उसी आकार के दूसरे एटम जो है वो कॉर्नर पे उपस्थित है। तो आपने देखा पिछले वाले केस में एडजेसेंट कॉर्नर एक दूसरे को टच करता था, अब कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, टचिंग स्फीयर में क्या लिखना होगा, कौन प्यार में है, कौन एक दूसरे को टच करेगा। तो इसमें आएगा बेटा अपने पास कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम टचेस फेस सेंटर एटम। ऑन सेम फेस, सेम फेस की बात कर रहा हूँ, सेम फेस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, कॉर्नर से अगर ये लाइन बना देता, ये कहलाती है एज, जिसकी लंबाई होती है ए। अगर फेस में ये डायगनल बना दूं तो यह है फेस डायगनल, फेस डायगनल की लंबाई होती है a√2। लेकिन मैं क्या बना रहा हूं वो देखिए, मैंने बनाया है केवल इतनी लाइन। अरे ये क्या हो गया, मैंने बनाया है बेटा केवल इतनी लाइन, कितनी लाइन, यहाँ तक की। तो आपने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो फेस डायगनल का आधा है, फेस डायगनल मतलब a√2, उसका आधा कितना होगा, a√2/2। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, क्या लिख सकता हूँ, a/√2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/√2 है, जो बराबर होगी रेडियस प्लस रेडियस, किसके बराबर, 2r। सितारा NND, इसका मतलब होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। आइडेंटिकल एटम्स के केस में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है 2r। कितनी आई है 2r की वैल्यू, a/√2। और सबसे तगड़ा सवाल, देखिए इसका जवाब कोई दे सकता है, CN, CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या था पता है, पड़ोसी की संख्या, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तारोशी ने दिल जीत लिया, इतना बढ़िया आंसर दिया है तारोशी ने, वेरी गुड बेटा। देखो अविशा, नैनी, नैनी का गलत है, दीपेश बढ़िया, इंसिया का बढ़िया आंसर है। तुम लोग यार पता है अभी भी मजेदार काम नहीं कर पा रहे हो सारे बच्चे, तुम ये देख ही नहीं रहे हो जबकि साफ साफ बता दिया मैंने हिंदी में कि पड़ोसी कहाँ है वो बताओ। ये कॉर्नर आइटम है, कॉर्नर एटम को टच करने वाला जो पड़ोसी है ये है, तो इसको टच करने वाला पड़ोसी कहाँ पर आ रहा है, एज पर आ रहा है कि फेस डायगनल पे आ रहा है? पड़ोसी कहाँ आ रहा है, एज पर कि फेस डायगनल पे? फेस डायगनल पे आ रहा है। तो बताओ ना फेस डायगनल पे कितने पड़ोसी उपस्थित रहते हैं, 12। सिंपल तो है बेटा, एज पर 6, फेस डायगनल पे 12, बॉडी डायगनल पे 8। क्या क्लियर, बहुत डरने की बात तो नहीं है बेटा? अरे बहुत डराने वाली तो कोई बात नहीं है ना। चलिए लास्ट क्या निकालते थे लास्ट में हम, PF या फिर PE। अरे PF मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, PE का मतलब पैकिंग एफिशिएंसी, एक ही बात है। क्या था पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब, एक क्यूब में जितने आइटम हैं उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम। कितने गोले थे, 4। एक गोले का वॉल्यूम 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय कितने गोले, 4, डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब। ऊपर तो ऐसे ही डाला मैंने 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय 4, नीचे
ए और आर काटना है तो ए को लिखो आर के टर्म्स में, ये है ए बाय रूट टू बराबर टू आर, तो ए के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं, रूट टू उधर डालो ना, टू रूट टू आर, इस पूरे का क्यूब ले लो, ये आएगा 0.774, मतलब परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड, गोलो ने क्यूब का कितना स्पेस भर दिया, 74%, परसेंटेज स्पेस वेकेंट, कितनी स्पेस खाली रह गई, 26%। देखिए अच्छे से, नेहल पूछ रहा है सर फेस के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, नेहल सभी एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सभी एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, वो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में लिखो या फेस के रिस्पेक्ट में लिखो, क्योंकि कॉर्नर के रिस्पेक्ट में हमने निकालना सीख लिया है, इसलिए हम कॉर्नर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। विश्वजीत अब आपको ये बताना होगा कि समस्या क्या है, आप बार बार बोलेंगे ना कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप कोऑर्डिनेशन नंबर में समस्या बताइए। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि प्लीज ये चार्ट याद कर लीजिए, फिर उसमें क्या समस्या आ रही है बेटा, ये तीन चीजें याद करने में क्या समस्या आ रही है। कॉर्नर आइटम का पड़ोसी यदि एज पर उपस्थित है तो एज पर 6 पड़ोसी होते हैं, बॉडी डायगनल पे 8 होते हैं, फेस डायगनल पे 12 होते हैं। सर इसके हिसाब से तो पिछले वाले केस में हमने एज सीखा था, तो नंबर 2 पे तो बॉडी डायगनल आता है ना, तो 8 होना चाहिए ना, ऐसा लॉजिक तो नहीं लगा रहा कोई बच्चा। हाँ कि सर आपने एज के बाद बॉडी डायगनल लिखा था, तो एज के बाद बॉडी डायगनल ही पूछो, नहीं तो आप कुछ भी पूछोगे एज के बाद, हम बताएंगे बॉडी डायगनल ही। विश्वजीत मैं वेट कर रहा हूँ कि आप अपना डाउट बताए ताकि मैं उसे क्लियर कर पाऊँ बेटा। विश्वजीत उपस्थित है, याद नहीं था, अच्छा ठीक है, चलिए अब हम समय नहीं खराब करते, एक प्रकार का और क्यूबिकल सिस्टम बचा हुआ है उसे भी फिनिश कर लेते हैं, ये भी आपके लिए आसान रहेगा, डरना नहीं। तीसरे प्रकार का क्यूबिकल सिस्टम कौन सा था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में कहते हैं BCC, नाम सुनकर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर स्पीयर उपस्थित रहते हैं, स्पीयर्स आर प्रेजेंट एट, कहाँ उपस्थित रहेगा, कॉर्नर प्लस BC मतलब बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे उपस्थित रहेगा। तो लो जी इस क्यूब की मैंने फोटो बनाई, कॉर्नर पे एटम लगा दिया और एटम उपस्थित रहता है बॉडी सेंटर पे, यहाँ पर कॉर्नर वाले एटम का 1/8 हिस्सा उपस्थित रहता है, बॉडी सेंटर का तो पूरा पूरा। तो यदि मैं इफेक्टिव स्पीयर निकालना चाहता हूँ, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कॉर्नर के लिए हो गया, बॉडी सेंटर वाला पूरा पूरा अंतर है, मतलब क्या आएगा, 2 स्पीयर पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 2 स्फीयर रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट टचिंग स्फीयर, कौन सा आइटम एक दूसरे को टच करेंगे, तो बता दिया था बेटा आपको हमेशा मेहमान को टच करेंगे, नया मेहमान कहाँ पर आया है, बॉडी सेंटर पे, तो कैसी व्यवस्था बनेगी पता है, लगभग ऐसी ऐसी कि यदि मैं कोई बॉडी डायगनल बना दूं तो ये बड़े बड़े आइटम है, कॉर्नर वाला आइटम सीधे बॉडी सेंटर को टच करेगा, तो क्या होगा, कॉर्नर आइटम टचेस इसको बॉडी सेंटर आइटम, इस तरह से होगा। सर फोटो बनाकर बताओ ना, ठीक है, ये जो बॉडी डायगनल है इसी की फोटो बना रहा हूं मैं, यहाँ पर बॉडी डायगनल की, बॉडी डायगनल के सेंटर पे कौन है बताइए, बॉडी डायगनल के सेंटर पे पीला वाला आइटम है, ये बड़े बड़े आइटम होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पर भी स्फीयर मतलब आइटम है। चलो जी ये एंड पॉइंट पे आ गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए, आइडेंटिकल आइटम। अब आपको बहुत अच्छी तरह से याद है
बॉडी डायगोनल की पूरी लंबाई होती है ए रूट थ्री, हमें आधी लंबाई चाहिए, तो आधी लंबाई होगी ए रूट थ्री बाय टू, किसके बराबर होगा, रेडियस प्लस रेडियस 2R। सितारा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जो टच करने वाले दो एटम हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी 2R, मतलब ए रूट थ्री बाय टू। और अब बताइए किसमें हिम्मत है जो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दे। यार तुम तो गजब करके बैठते हो यार, मेरे सवाल बदमाश हो तुम सारे के सारे, मेरे सवाल पूछने के पहले ही आंसर दे के बैठ जाते हो। विश्वजीत का आंसर नहीं आया यार, विश्वजीत, विश्वा, तू ढीला कैसे पड़ गया भाई। शारिका, ख्याति, रिया, वेरी गुड, अविश, अभिषा, विश्वजीत हाजिर हो, पार्थ, शाबाश बेटा। हाँ देखो ना, पड़ोसी तो ढूंढना है, मेरी बात सुनो रे, मेरी बात सुनो, हमको नियरेस्ट नेबर ढूंढना है, तो इस कॉर्नर आइटम का नियरेस्ट नेबर कौन होगा। तो बच्चों ने कई बार खोपड़ी भी खुजाते हैं कि सर देखो इसके बगल वाला आइटम ये भी है और ये भी है, तो आप बोल रहे हो नियरेस्ट नेबर ये होगा, ये कॉर्नर वाला नहीं होगा, ऐसा क्यों। अरे अपनी बुद्धि लगाओ रे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ए रूट थ्री बाय टू, तो छोटा डिस्टेंस कौन सा हुआ लल्ला, नियरेस्ट नेबर मतलब सबसे नजदीक वाले एटम से दूरी, नियरेस्ट नेबर ये हुआ, ये छोटी डिस्टेंस है, तो इसका पड़ोसी कहाँ उपस्थित है, बॉडी डायगनल पे, तो बॉडी डायगनल पर कॉर्नर के कितने पड़ोसी उपस्थित रहते हैं, बताया है ना, बॉडी डायगनल पर उपस्थित पड़ोसी होते हैं 8। क्लियर, क्या विश्वजीत का आंसर आया कि नहीं। नहीं आया, वो गुस्सा होकर बैठ गया। ठीक है विश्वा, आपकी चॉइस है बेटा, मैं तो समझा रहा हूँ सब बच्चों को। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कितने एटम उपस्थित है एक यूनिट सेल में, ये लिखा है 2 स्फीयर पर यूनिट सेल, लिखा है ना 2 स्फीयर पर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय यूनिट सेल और जो है क्यूबिक उसका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, एक ही जगह आर लिखना है, ये रिलेशन है, तो इन दोनों को उधर डाल दो, तो एक ही जगह क्या लिखूंगा पता है, 4R/√3, 4R/√3 इस पूरे का क्यूब, सॉल्व कर लो, 0.68 मतलब परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, कितना स्पेस भरा, 68%, परसेंटेज वेकेंट स्पेस कितना स्पेस खाली है, तो ये आएगा 32%। लो जी, ये हमने तीन अलग अलग प्रकार के जो क्यूब थे, तीन अलग अलग प्रकार के जो क्यूब थे बच्चों, वो हमने डिस्कस कर लिए, तो आज जो डिस्कशन हुआ है वो एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तारोशी एंड सेंटर क्यूब नहीं बनता है यार, कितनी अच्छी बच्ची है तारोशी, उसे सब याद रहता है, तारोशी शाबाश यार, तेरे जैसे बच्चे रहते हैं जो टीचर को ये फील कराते हैं कि नहीं यार बच्चा बहुत बढ़िया है ना। हाँ देख तारोशी, इधर लिखा था हमने क्यूब में केवल तीन प्रकार के सिस्टम है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर, है ना, उसमें एंड सेंटर नहीं होता है बेटा। अब ये बहुत डिटेलिंग है कि क्यों नहीं होता है या क्यों होता है, अगर तुम फिजिकली यहाँ उपस्थित रहते तो मैं इंडिविजुअली आपको समझा भी पाता किस तरह से होता है, बट खैर इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सिलेबस छोटा छोटा आसान आसान है। तब दो बात, पहला क्या होमवर्क दूँ इस टॉपिक का मॉड्यूल में से, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ तो चलो कुछ छोटे से क्वेश्चन लिख लो, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन लिख लो, बहुत ज़्यादा नहीं है रे, थोड़े से ही क्वेश्चन है, करके देखो, नहीं तो आलस मचाने का तो कोई अंत है ही नहीं, और चीज़ें तो पढ़ना ही है। हाँ मानसी, मुझे पता है टेस्ट है आपका, तो मैं इतना होमवर्क दूंगा ही नहीं, कुल मिला के 10-12 सवाल टिक करवा रहा हूँ बेटा, है ना, कुल मिला के 10-12 सवाल टिक करवा रहा, ट्राई करना एक बार। चलिए सबसे पहले नोट कीजिए इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 6, उसके बाद बिगनर बॉक्स 1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5,
बिगनर बॉक्स वन में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक्सरसाइज नंबर वन में, एक्सरसाइज नंबर वन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 17 कर लो, 1 से लेकर 17 ठीक। हाँ आप में से कोई बच्चा मुझे व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपको ग्रुप पे ये फॉरवर्ड कर दूंगा ठीक। दूसरा ACT है बच्चों का ठीक है, तो ACT के नाम सुनकर घबराना नहीं है, जो रेगुलर टेस्ट देने का प्रोसीजर है वैसा ही प्रोसीजर ACT देने का। प्लीज बट रिक्वेस्ट है निगेटिव थोड़े कम करो, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जब बच्चे का रिजल्ट एनालाइज करता हूँ तो मुझे दिखता है कि इसका स्कोर बहुत ऊपर जा सकता था, निगेटिव के चक्कर में इसकी रैंक पीछे हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा निगेटिव का ध्यान रखिए और बिल्कुल पॉजिटिव होकर आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, पढ़ते रहो ठीक है। बाकी सब चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर।